अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है और जो लोग स्ट्रॉन्ग खुशबू लगाना पसंद करते हैं। मोस्टली हमारी वीडियोस हमेशा इसी तरह की होती है, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो एवरेज खुशबू पर ज़्यादा फोकस देते हैं जो किसी के सर में दर्द ना करें। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिकमेंड किए थे दो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अतर जिनको मैं मानता हूँ, वो है दोस्तों एक तो 96 मजमुआ जो कि आता है नियामत की तरफ से और दूसरा है कस्तूरी जो कि आता है अरहम की तरफ से। ये दोनों ही अतर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी के आते हैं जिनकी ऑडियंस हमेशा अहम लोग नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड इनकी ऑडियंस होती है और कुछ ही लोग होते हैं जो इन अतर्स को लगाना पसंद करते हैं। अब देखिए ये दो अतर है 96 मजमुआ और एक है कस्तूरी, ये दोनों मुझे याद नहीं है एक ही सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी या अलग अलग सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इन दोनों अतर की अलग अलग वीडियो बनाना मेरे लिए कोई सेंस की बात नहीं बन रहा था, इसीलिए बेहतर यही है कि अगर दोनों की खुशबू स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की एक साथ ही वीडियो बना दी जाए, ये सबसे बेस्ट रहता है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सबसे पहले और सबसे हाईलाइट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये कहाँ से बाय करना चाहिए, ये सबसे हाईलाइट पार्ट रहेगा हमारी वीडियो के अंदर। डिलीवरी एक्सपीरियंस और इसकी पैकेजिंग, स्मेल एंड लॉन्ग लास्टिंग, प्राइस, वांट टू बाय और नॉट, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिलीवरी एक्सपीरियंस की। तो डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने ये दोनों ही अतर ऑफलाइन मार्केट से लिए। अब ऑफलाइन मार्केट से क्यों लिए वो आपको मैं बताऊंगा प्राइस वाले सेक्शन में जब मैं प्राइस की बात करूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। पैकेजिंग जो है ना दोस्तों वो मजमुआ की आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है। मजमुआ की थोड़ी अच्छी मुझे पैकेजिंग लगी है क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं है इसमें, मतलब ना तो कोई अच्छा खासा बॉक्स है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो मजमुआ 96 की जो पैकेजिंग है वो अच्छी लगती है। और जो आपका अरहम कस्तूरी है ये इसकी पैकेजिंग तो बस भाई मतलब ले लो यार, अगर आपको अतर चाहिए वो वाला सिस्टम है, पता नहीं इन्होंने वो उसके अंदर भी कैसे डाल के दे दिया। लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगा, जिस प्राइस पे ये आता है ठीक है भाई, चल रहा है इनका, अच्छा है। लेकिन ये जो कस्तूरी का केप है ना भाई, ये कस्तूरी का केप बहुत ज़्यादा बेकार मुझे फील हुआ। इसको भाई खोलते हैं तो इसके ऊपर की केप निकल जाती है और वो वाइट वाला ढकना नीचे रह जाता है, ये भाई कुछ सिस्टम। और इसके अंदर जो मुझे बुरी चीज़ लगी है भाई मजमुआ 96 के अंदर, इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा जिसको बोलते हैं ना उस तरह का भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ना इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया। हम लोग केप खोलते हैं ना तो ऐसे रहता है, बिल्कुल ऐसे उंगली पे करके लगाना पड़ता है। अभी तो मैं चाहता नहीं हूँ ये मेरी उंगली पे भी टच हो जाए क्योंकि इसकी खुशबू चिपक जाती है भाई बुरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग खुशबू जैसी होती है उस तरह की बहुत ख़तरनाक खुशबू है। चलिए अब खुशबू की बात छेड़ ही दी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी खुशबू किस तरह की है और इनकी लास्टिंग कैसी आपको देखने के लिए मिलती है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मजमुआ 96 की जो कि आता है नियामत की तरफ से। इसके अंदर जो नोट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो है वूडी, फ्लोरल, मस्की टाइप कुछ इसके फ्लोरल हमें देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। और ये जो खुशबू है ना वो बहुत जल्दी सर में दर्द करती है आम लोगों की, यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग खुशबू लगाने के भी शौकीन हैं और आप इसको लगा के किसी के पास से निकल जाएंगे तो उसको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इतना ज़्यादा ये सर में दर्द करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अगर बात करें कस्तूरी की जो कि आता है अरहम की तरफ से, इसके नोट्स जो है वो मस्की स्वीट टाइप है। स्वीट होने की वजह से इसके अंदर जो स्वीट का नोट्स है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग तो बनाता है लेकिन सर के दर्द कि जो कमी है ना उसको रिड्यूस कर देता है, तो ये जल्दी से सर में दर्द नहीं करता। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये कस्तूरी मुझे अच्छा लगा है मजमुआ से, क्योंकि ये सर में दर्द जल्दी से नहीं करता, करता तो है, स्ट्रॉन्ग तो दोनों ही है लेकिन इसके अंदर उतनी स्वीटनेस देखने के लिए नहीं मिलती जितनी आपको अरहम के कस्तूरी के अंदर देखने के लिए मिलती है। और अगर बात करें लॉन्ग लास्टिंग की तो दोनों के ही अंदर लॉन्ग लास्टिंग आपको 8 से 9 घंटे की आराम से मिल जाती है, इससे ज़्यादा तो नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ अगर आप रूम के अंदर बंद इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हो सकते हैं आपको इससे ज़्यादा भी लॉन्ग लास्टिंग देखने के लिए मिल जाए। अगर बात करें दोस्तों प्राइस की, मैं पहले आपको बता देता हूँ ये मजमुआ 96 जो है दोस्तों इसका प्राइस आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा 130 रुपये। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उनको ऑफलाइन खरीदा है, क्योंकि इसका प्राइस ऑनलाइन अगर आप बाय करने जाएंगे तो मैंने अलग अलग जगह चेक किया है तो एवरेज जो प्राइस इसका मुझे मिला है दोस्तों वो है 350 रुपये के आसपास ही आपको ऑनलाइन मिलता है। इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता आप ये जो स्ट्रॉन्ग खुशबू के जो अतर है ये आप ऑनलाइन बाय करें, आप लोग इनको ऑफलाइन ही ले सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों अरहम के कस्तूरी की, ये जो है ये मुझे ऑफलाइन मार्केट से पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का, इसलिए मैंने बोला था पैकेजिंग जैसी भी है चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 30 रुपये में आपको क्या ही चाहिए। तो 30 रुपये का ये अतर आता है और अगर आप ऑनलाइन बाय करने की कोशिश करेंगे तो ये 170 से 200 तक आपको ऑनलाइन में पड़ेगा, ये 170-150 के आसपास आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपको ये ऑनलाइन बाय करना है। अगर आपके आसपास कोई अतर की शॉप नहीं है तभी आप इनको ऑनलाइन लेना, नहीं तो बेहतर यही है। और ये आसानी से मिल भी जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आसपास अतर वाली दुकान पे जाइए
और आप इनको वहां से बाय कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये अतर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सीधी और सिंपल सी बात यही है कि इन अतर की ऑडियंस सब लोग नहीं होते। अगर आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है, आप तलाश कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गज़ब की स्ट्रॉन्ग खुशबू, तो आप इनको ले सकते हैं। और मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड रहेगा वो है ये अरहम कस्तूरी। इसका प्राइस भी कम है, लास्टिंग भी अच्छी खासी है, 30 रुपये का इसका प्राइस है, लेकिन इसके अंदर जो स्वीटनेस मिलती है ना उसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी ये है, आप लोग जब दुकान पर लेने जाएंगे अरहम कस्तूरी तो एक बार उनसे इसको भी स्मेल कर लेना ख़रीदने के लिए। हो सकता है कि आपकी और मेरी चॉइस अलग हो और आपको ये 96 मजमुआ पसंद आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आप लोग जो भी फीडबैक देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको और फेसबुक का लिंक, दोनों ही पेज का लिंक हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।